हेलो एवरीवन, आज है 22 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी जो प्रमोटर है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार ओपन मार्केट से धीरे धीरे अपनी ही कंपनी के जो शेयर है उसको खरीद रहे हैं। काफी छोटी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली उनकी बाइंग देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने कम से पिछले 7-8 दिनों में ही उन्होंने कम से कम 6 या 7 बार खरीदारी की है। हर रोज वो अपने शेयर्स खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से, वो भी छोटी छोटी क्वांटिटी में। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और छोटा सा शेयर है ये, 30 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है और काफी सस्ते प्राइस पर हम कह सकते हैं कि अवेलेबल भी है। तो वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रमोटर कितनी क्वांटिटी खरीद चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और उसके साथ साथ हाल फिलहाल में जब ये शेयर 30 रुपए के ऊपर अवेलेबल है तो खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको भी यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मैन इंफ्रा। 30 रुपए का ये शेयर है और आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में इसके शेयर में 18 से 19% का ग्रोथ है। 25 रुपए से एक ही झटके में उठ के शेयर पहुंचा था तकरीबन 35 रुपए पर, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से यहाँ पर 2 दिन में यहाँ पर गिरावट आई, लेकिन आज दोबारा से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। पिछले एक साल में देखे तो मैन इंफ्रा का ये जो शेयर है उसमें 35% का ग्रोथ है। कोरोना के वक्त में 14 रुपए तक शेयर टूट गया था और अभी अगर हम देखें तो प्री कोविड लेवल से भी बहुत ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्री कोविड लेवल 32 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। पिछले 3 साल में देखें तो अभी भी 57% की हमें गिरावट है, 72 रुपये से टूटकर शेयर नीचे आया, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है। 10 साल में अगर हम देखेंगे मैन इंफ्रा के शेयर में तो 24% की अभी भी गिरावट है, लेकिन 72 रुपीज का हाई है और 14 रुपए का लो है जो जस्ट अभी बना है। 724 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। माइक्रो कैप शेयर है, छोटा सा ये शेयर है और वॉल्यूम ट्रेड भी बहुत कम है, 6 लाख के आसपास तो वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में देखने को मिल रहा है, बीएसई में भी 1 लाख के आसपास के ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी बेहतर है, उसके बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि काफी कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर, जो डेटा है वो ठीक से करेक्ट नहीं है। 27% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 55 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको मैन इंफ्रा के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो हाल फिलहाल में जो टेक्निकल रेटिंग है वो भी न्यूट्रल है। रीजन सिंपल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो यूके में जो नए नए किस्म का कोरोना वायरस फैला है उसके चलते कहीं ना कहीं पूरे बाजार में एक कह सकते हैं कि डर का माहौल है, और यूके में अगर हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन लग चुका है, तो अगर वही सिचुएशन इंडिया में भी होती, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मान लो कि बहुत ही बुरे केस में भी होती है, तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनकी कमर टूट जाएगी। और इसीलिए अगर हम देखें तो ज्यादा बड़ी और खरीदारी की रेटिंग अभी भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखाऊं, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सभी के सभी लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, कोई भी आपको यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। उसके अलावा हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एफआईआई और डीआईसी की जो खरीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उनकी खरीदारी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 21 दिसंबर मतलब कल की बात है, कल जब मार्केट टूटा था तब 32 रुपए के भाव पर पराग जी शाह जो प्रमोटर एंड डायरेक्टर है उन्होंने मार्केट से अगर हम देखें तो 14,370 क्वांटिटी खरीदी है 32 रुपए के भाव से। ठीक है, आपको ये देखने में छोटी लगेगी, लेकिन उसी दिन अगर हम देखें तो 70,000 की क्वांटिटी भी उन्होंने 21 दिसंबर को ही खरीदी हुई है, वो भी तकरीबन 32 रुपए 80 पैसे के आसपास। ठीक है, 15 दिसंबर को एक हफ्ता अगर हम पीछे चलते हैं तो 33 रुपए के भाव पर उन्होंने तकरीबन 16,000 शेयर खरीदे हैं, और उसी 15 तारीख को 33 रुपए के भाव पर 70,000 शेयर और खरीदे हैं उन्होंने। एक दिन पहले, एक दिन अगर पीछे जाए तो 14 दिसंबर को अगर हम देखें तो तकरीबन 1400 क्वांटिटी खरीदी है 33 रुपए पर, उसके पीछे 14 दिसंबर को देखें तो 33 रुपए के ऊपर 12,685 शेयर के आसपास उन्होंने खरीदारी की है। तो आगे से देखिए, देखने में ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है।
बहुत बड़ी क्वांटिटी वो खरीद रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और खुद सोचिए जब प्रमोटर खुद 33 रुपए के भाव पर शेयर उठा रहे हैं तो उनको अपनी कंपनी के ऊपर कितना भरोसा होगा। प्रमोटर खुद 33-32 रुपए के भाव पर शेयर उठा रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी में, और डेफिनेटली कल परसों भी आपको यहाँ पर बाइंग देखने को ही मिलेगी प्रमोटर के द्वारा, क्योंकि शेयर डेफिनेट 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आज की डेटा अभी तक आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी प्रमोटर ने खरीदारी की होगी यहाँ पर, और बड़ी क्वांटिटी आज प्रमोटर ने खरीदी होगी, और अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन आती है तो प्रमोटर और ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर खरीदते हुए आपको देखने को मिल सकते, क्योंकि डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कंपनी का कितना बड़ा बिजनेस है। छोटी कंपनी देखने में है लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, खास करके मुंबई में। मुंबई में बहुत सारी लैंड है, और हम सब जानते हैं कि भैया कितनी बड़ी कीमतें होती है मुंबई में अगर आपके पास लैंड हो तो। बिल्टअप एरिया के लिए बहुत सारे इनके पास लैंड है, उसके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा प्रॉफिट की भी मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बेहतर है, कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सितंबर में तकरीबन 1.5 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले जून में 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो डिसेंट प्रॉफिट हम कह सकते हैं। प्रमोटर के पास ऑलरेडी काफी सारी होल्डिंग है, तकरीबन 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 65% की होल्डिंग तकरीबन तकरीबन हमें प्रमोटर के पास अभी के वक्त में देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो डेटा है वो थोड़ा सा पुराना है, लेटेस्ट डेटा आप कह सकते हैं कि 58.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास सितंबर क्वार्टर तक थी। अब प्रमोटर धीरे धीरे इसमें खरीदारी कर, तो जब दिसंबर का डेटा अपडेट होगा तब आपको आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बहुत सारे प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदारी की है और होल्डिंग उनकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। FIIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 0.03% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले कुछ भी नहीं था, अब 0.95% की होल्डिंग भी उनके पास देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 33.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर जो है वो हर क्वांटिटी में खरीदारी करे, आप खुद सोचिए 32 रुपए 33 रुपए की कीमत पर प्रमोटर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। दिन में 2 बार प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और वाकई में ये एक अच्छी चीज है। और इसके पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैन इंफ्रा के बारे में, अगर आप देखें तो मैन इंफ्रा के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये इनकी वेबसाइट है, और जिसमें रियल एस्टेट और कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों का काम ये लोग करते हैं। रियल एस्टेट की अगर हम सबसे पहले बात करने चाहे तो रियल एस्टेट में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि हाई रेज बिल्डिंग बनाते हैं, ये हाई रेज बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, और इनका जो लोकेशन है भैया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आप देखिए घाटपुर में है, चेंबूर में इनके लोकेशन देखने को मिल रहे हैं, कई सारे अच्छे लोकेशन है जिन पर इनकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विला पार्ले में भी इनके प्रोजेक्ट अभी के बाहर में चल रहे हैं, और इनके पास ऑलरेडी इतनी सारी लैंड है कि जहां पर वो और कई सारे प्रोजेक्ट को आने वाले दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसी के बलबूते पर देखिए प्रमोटर को पता रहता है कि भैया कंपनी में क्या चल रहा है, प्रमोटर को पता रहता है कि उनके पास क्या क्या लीवर्स है जिनका वो लोग आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेफिनेटली कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको और भी ज्यादा बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। कॉन्ट्रैक्टिंग की भी अगर हम बात करें तो 50 से भी ज्यादा सालों का इनके पास अनुभव है, 103 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्होंने अब तक बनाई है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अगेन स्मॉल कैप शेयर जरूर है, लेकिन लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है, और इसीलिए प्रमोटर भी इस बात को जानते हैं कि उनके पास फ्यूचर में कौन कौन के कौन से प्रोजेक्ट आ सकते हैं। और जिस तरीके से अगर हम अभी के हाल में देखें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करेगी आने वाले दिनों में, और इसी के चलते बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते अभी एक चीज हमें और देखने को मिली, वर्क फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम के दायरे में लोग अब अपना खुद का घर चाहते हैं जिसमें वो लोग आराम से बैठ के काम कर सके, तो जो खरीदारी हो रही है फ्लैट्स की, घरों की, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकार की तरफ से भी काफी सारे रियायत यहाँ पर दी जा रही है, खास करके रजिस्ट्रेशन को लेकर जो चार्जेस थे वो काफी कम कर दिए गए हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोगों में प्रॉपर्टी खरीदने का जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि कोविड के चलते थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि शेयर एक बेहतर बाई साबित हो सकता है। अगेन मुझे लगता है कि मैन इंफ्रा एक अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है, और यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम है इसमें, तो
तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और लेकिन हाँ, सर्ट से विदनी के आप टुकड़ों में खरीदारी करो, एक साथ एक ही प्राइस, बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए और कम से कम यहाँ से 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, जरूर आपका पैसा बनेगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मैन इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।